अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखाज किचन रेसिपीज से हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन फहीटा पास्ता। अच्छा, चिकन कोई चिकन फहीटा कहता है, कोई चिकन फजीटा कहता है पास्ता। आपको जो बोलना है आप बोलिए, टेस्ट वही रहेगा। सो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाना। चलिए। अच्छा, सबसे पहले ना मैंने प्रिपरेशंस कर ली। आप देख सकते हैं सब्जियां हैं और सॉसेस और सारी चीज़ें मैंने प्याले में निकाल के रखी हैं। जैसे जैसे डालती जाऊंगी आपको मैं शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले कढ़ाई लीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए। उसमें 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो सादा तेल डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दीजिए, हल्का मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1.5 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। उसे सिर्फ आधे मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। जब फ्राई हो जाए तो साइड पर मैंने स्ट्रिप्स के हिसाब से काट कर रखी है चिकन। ये तकरीबन 100 से 150 ग्राम है, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने ब्रेस्ट पोर्शन नहीं लिया, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे बार बार चलाते रहें और इसे फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन गल नहीं जाती। तकरीबन समझिए ना 7-8 मिनट में तो चिकन गल जाएगी। ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं और चिकन गल चुकी है, तो चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आंच। चलिए अब मसाले और सॉसेस डाल देते हैं। वैसे प्याली में मैंने है ना आधा छोटा चाय का चम्मच नमक निकाला था, उसी में से ही चिकन का ऊपर डाला था, तो ये जो बचा हुआ नमक है ये सारा डाल देती हूँ मैं। आधा छोटा चाय का चम्मच प्याज का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर है ये, आधा छोटे चाय का चम्मच शक्कर और आधा छोटे चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाल दीजिए। वैसे ये कश्मीरी है तो मैं आधा डाल रही हूँ, आपका नॉर्मल वाला हो तो 1/4 डालिएगा। ये है 1/4 छोटे चाय का चम्मच हमारा नॉर्मल रेगुलर रेड चिली पाउडर, ये भी कश्मीरी है। आधा छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच ऑरेगानो। और ये मैंने है ना चिकन क्यूब, 1 चिकन क्यूब का आधा लिया है और ये इसमें डाल रही हूँ मैं। और 1.5 टेबल स्पून जितना टमाटर सॉस, सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है और मैं स्लो आंच पर ना 1 से 2 मिनट तक इसे पकने देती हूँ। आप चाहें तो मीडियम पर भी पका सकते हैं। 1 से 2 मिनट हो जाते हैं तो पक जाता है ये, तो आप यहाँ पर ना आधी आधी या 1/4 1/4, मैंने 1/4 1/4 ली है, 1/4 लंबी लंबी स्ट्रिप्स करी हुई हरी लाल और पीली शिमला मिर्च डाली है, और ये प्याज भी मैंने एक छोटी थी उसे लंबी लंबी डाली है, और इसे मिक्स कर लेती हूँ। चूल्हा आप चाहें तो मीडियम आंच कर सकते हैं, मैंने अभी मीडियम किया है। आधे मिनट तक फ्राई कीजिए ये प्याज और ये जो हमने सब्जियाँ डाली है ना उसे। आधा मिनट हो जाता है तब डाल दीजिए 1/2 कप दूध और 1/4 कप मलाई फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो आप हैवी क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें, और ये दोनों डालकर मिक्स कीजिए और हल्का सा एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक हल्का उबाल आ जाता है मिक्स कर लीजिएगा, चूल्हा मीडियम पर ही है। हाँ, हल्का उबाल आ रहा है तो यहाँ पर मैंने ना 1/4 कप से हल्का ज़्यादा ही है चीज़ है ये, इसे मैं इस तरीके से ग्रेट करके डाल देती हूँ। अच्छा, ये है ना प्रोसेस्ड और मोज़रेला दोनों मिक्स है, आप चाहें तो अलोन प्रोसेस डाल सकते हैं, मोज़रेला अकेला मत डालिएगा, या फिर डालना है तो दोनों मिक्स मेरी तरह डालिएगा। और इसे भी मिक्स कीजिए, मीडियम आंच पर चूल्हा है। और अब जब ये पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए ये हमारी जो चीज़, 1 कप बॉईल करा हुआ पास्ता डाल दीजिए। वैसे मैंने व्हीट वाला लिया है पास्ता, आप नॉर्मल रेगुलर वाला भी ले सकते हैं। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया और इसे मिक्स कर लीजिए। वैसे ये जो प्रोपोर्शन है एकदम परफेक्ट है, बट मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने चीज़ 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, तो यहाँ पर मैं दूध थोड़ा सा 1/4 कप और डाल रही हूँ, तो टोटल आपने देखा मैंने 3/4 कप दूध डाला है, ठीक है ना। अब इसे डालकर मैं मिक्स कर लेती हूँ और चूल्हा स्लो पर है, 1 से 2 मिनट इसे पकने देती हूँ। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट में पक भी जाएगा और ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है तो मज़ा आएगा खाने के लिए। बस जैसे ये बन जाए, 1-2 मिनट हो जाए, चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे गर्मा गर्म प्याले में निकालें, और ये बन गया आपका चिकन फहीटा पास्ता। बढ़िया सा मज़ेदार सा चटपटा सा डिलिशियस, चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो थोड़ा सा स्प्रिंकल करके सर्व कीजिएगा। वैसे आपने देखा थोड़ा सा, हाँ, मिर्च का थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हमने 3 टाइप की लाल मिर्चियाँ का डाला है और 1 काली मिर्च भी डाली है।
पाउडर। सो अब अगर आपको लग रहा है कि आपको कम स्पाइसी चाहिए, कोई बात नहीं, वो जो तीनों टाइप की आपने लाल मिर्चियों का डाला है, चिली फ्लेक्स और दो टाइप की लाल मिर्चियां, उसमें से तीन में से दो कट कर दीजिए और एक ही डालिए, और थोड़ा सा काली मिर्च डालिए, और जो तीनों में से एक डाल रहे हैं वो भी कम डालिएगा, तो आपका स्पाइस कंट्रोल हो जाएगा। तो चलिए, ये बन चुका है हमारा चिकन फाहिजा, बढ़िया सा मजेदार सा। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ, गरम है वो। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया। आप भी खाएंगे, आपको भी बड़ा मजा आएगा। अच्छा, इसमें है ना स्पाइस, ऑब्वियसली ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं, स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पाइस है, या आपकी फैमिली बच्चों के लिए बना रहे, स्पाइस कम कर दीजिए, मिर्ची कम डालिए, चिली फ्लेक्स उस मामले में कम डाल दीजिएगा, और चिली का पाउडर जो है, चिली पाउडर जो हम डाल रहे हैं, पेपरिका डाल दीजिए, या हमारी जो नॉर्मल कश्मीरी मिर्च आती है वो डाल दीजिए। बढ़िया है, क्रीमी टेक्सचर भी है, और चिकन जो फ्राई हुई ना इसमें लहसुन के अंदर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो। और हाँ, अगर आप बनाए हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार इसी तरीके से दमदार रेसिपी के साथ। अगर आपको और डिफरेंट रेसिपीज इस तरीके से देखनी है तो कमेंट कीजिए, और आपको क्या खाना है वो नाम भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को बना के बताऊंगी मेरा वर्जन, मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।